नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक शांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से विश्व की सबसे ज़्यादा संशय और भय में रखने वाले नोवेल कोरोना वायरस से बचाव क्या संभव है या उसकी कोई दवा मौजूद है, इस पर बहुत छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आज आधुनिक चिकित्सा पद्धति में सब कुछ प्रयोगशाला पर निर्भर हो गया है और हमें ऐसा लगता है कि यदि डिफरेंट तरीके की पैथीज में वो इलाज नहीं, तो विश्व मानवता को न बचाया जा सकता है न उसका इलाज हो सकता है। लेकिन जिस हिंदू धर्म पर पूरी दुनिया शोध कर रही है, जिस हिंदू धर्म में आयुर्वेद एक पांचवें वेद के रूप में प्रतिष्ठित है, उस आयुर्वेद में देशी घी को विषघ्न, आयुर्वेद में देशी घी को विषघ्न के रूप में परिभाषित किया गया है, चित्रित किया गया है। जो विषघ्न का मतलब जो विष का हरण करता है, और दूसरा नाम है विषाणु, एक ऐसा अणु जो विषैला है। आज नोवेल कोरोना वायरस, जिसके बारे में मानवता भयभीत है, पूरा विश्व भयभीत है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको वैश्विक आपात स्थिति के रूप में घोषित कर चुका है, उस नोवल कोरोना वायरस के लिए एक बहुत छोटी सी बात आपसे कर रहा हूं कि यह वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और हमारी सांस के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आता यह जानवरों से है, जिसमें ऊंट, बिल्ली, चमगादड़ मुख्य हैं। लेकिन इन सबसे इतर जरूरी इस बात की व्याख्या है कि क्या इससे बच सकते हैं। बचने में बचाव के उपाय भी हैं कि आप मास्क लगाए रहिए, आप बाहर मत निकलिए, आप संक्रमित व्यक्ति से न मिलिए, कहीं थूकिए मत। पर क्या भारतीय आयुर्वेद के अनुसार इससे कुछ हो सकता है? जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, देशी घी, जिसका आयुर्वेद में जिसे विषघ्न कहते हैं, अर्थात जो विष को हरता है, यदि आपने बचपन से सुना होगा, नाक में यदि आप देशी घी लगा लें, तो उसके अंदर जो लोग रसायन शास्त्र पढ़ते हैं वो जानते हैं कि एलिफैटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो देशी घी में एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड वो होते हैं जो धुआं बहुत पैदा करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब होते हैं, बट एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, जो हमें अच्छे भी लगते हैं। तो यदि आप रोज अपने नाक में थोड़ा सा देशी घी लेकर लगा लें, तो जब भी कोई विषाणु नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करेगा, तो जैसे ही वो देशी घी के संपर्क में आएगा, वो सुषुप्त अवस्था में चला जाएगा और आपके शरीर को कोई कष्ट नहीं होगा, आपका शरीर बच जाएगा। जिस व्याधि और प्रॉब्लम से पूरी दुनिया भयभीत है, उसको आप सिर्फ एक छोटा सा उपाय करके बच सकते हैं। आप देशी घी लीजिए, उनको हल्का सा गुनगुना कर दोनों नाक नॉस्ट्रिल्स नहीं उसमें लगा लीजिए, सो जाइए, सुबह उठिए लगा लीजिए। निश्चित रूप से विषाणु के रूप में जो भी वातावरण में तत्व मौजूद हैं, वो जब भी आपके नाक के माध्यम से अंदर प्रवेश करना चाहेंगे, वो सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे और आपका शरीर स्वस्थ रह सकेगा। एक बार चाहते हुए ना चाहते हुए इसका प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति जीना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, आनंद से जीवन गुजारना चाहता है। ऐसी स्थिति में अपने आयुर्वेद के इस छोटे से नुस्खे का अपनाना और उसको प्रयोग में लाना ना तो कोई गलत कार्य है, ना ही उससे बचना चाहिए। आज ही आप देशी घी को थोड़ा सा लीजिए, अपनी नाकों में लगाइए और पूरा विश्व जिस नोवल कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहा है, उससे बचने का उपाय करिए। आशा है मेरा ये उपाय जो मैंने अध्ययन के द्वारा समझा है, वो आपके काम आएगा और आप विश्व मानवता को बचाने में और स्वयं अपने को बचाने में कुछ अच्छा सहयोग कर सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।